अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। मुझे तो बहुत ही टाइम हो चुका है YouTube पे वीडियो पोस्ट किए हुए, अराउंड 44 डेज हो चुके हैं मुझे YouTube पे वीडियो अपलोड किए हुए, क्योंकि पहले तो मैं डेली बेस पे वीडियोस अपलोड कर रहा था, जो मेरा ये वाला चैनल है जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं टेक्निकल जी, और जो मेरा सेकंड चैनल है जो मेरा व्लॉगिंग चैनल है, उसके अलावा जो वाइंस वगैरह जिसमें बनाता हूँ फनी जो क्लिप वगैरह हो गई जिसमें मैं अपलोड करता हूँ जी व्लॉग्स, उस पर भी मुझे अराउंड 1 मंथ से ऊपर हो गया है वीडियो मुझे शूट किए हुए, एडिट किए हुए और अपलोड किए हुए। तो मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो भी मुझसे बहुत ही नाराज़ हो चुके हैं, क्योंकि पहले तो मैंने उन्हें बहुत मनाने के बाद उन्हें शौक दिलाया भाई के वीडियोस वगैरह बनाते हैं, मुझे थी टीम की ज़रूरत और उन्हें भी जो है शौक हो गया था भाई हाँ क्यों ना वीडियोस बना दी जाएँ यूट्यूब पे, हम भी थोड़ा फेमस हो जाएंगे। तो इस वजह से जो है वो मुझसे नाराज़ हो गए, भाई 1 मंथ से ऊपर हो गया ना कोई तुमने स्क्रिप्ट लिखी है, ना ही कुछ वीडियो का कोई ख्याल है, ना कॉन्सेप्ट, अगर वीडियो क्लिप वगैरह कोई शूट नहीं कर रहे तो एक ब्लॉगिंग ही कर लो, थोड़ा बहुत जो हमारा शौक है वो बना रहे। तो इस वजह से जो मेरे फ्रेंड्स बहुत ही नाराज़ हो गए, रोज़ाना मुझे कॉल करते थे भाई आपने काम बंद कर दिया, हमें शौक, हमारा जो शौक है वो जगा के आपने जो है ना उसके बाद काम बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। आज भी मुझे एक फ्रेंड की कॉल आई, कह रहा था कि भाई मज़ा नहीं आ रहा, कुछ शूट करो कुछ करो। ये जो सारी चीज़ें इन सब की वजह ये थी कि टाइम नहीं था मेरे पास बिल्कुल, मतलब जो है ना टाइम नहीं मिल रहा था। पहले तो मैं कैसे भी करके टाइम निकाल के वीडियो शूट कर लेता था, लेकिन अभी ये है कि अगर टाइम मिल भी रहा है तो दिल नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों वीडियो शूट करने का। ऐसे नहीं बनता जैसे किसी चीज़ से दिल उठ जाता है, YouTube से थोड़ा दिल मेरा जो है ना उतर गया था, पता नहीं ना जाने क्यों भी। तो आफ्टर ऑल 44 डेज के बाद जो मेरी वीडियो आने वाली है, जो मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ ये वाली, इसमें ना कोई फिलहाल मेरा टॉपिक ऐसा कुछ, ये सिर्फ मैं आपको ये बताने वाला हूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अगर डेली बेस पे नहीं तो आपको हर दूसरे दिन वीडियोस देखने को मिलेंगी। और जो मेरी वीडियोस ना बनाने की वजह थी, आधे से ज़्यादा जो मेरी वजह थी वो थी मेरी फैमिली। मेरी फैमिली जो है उससे पता लग गया था कि भाई आपका यूट्यूब जो है एक यूट्यूबर है, यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाते, मुझे इन चीज़ों की इजाज़त नहीं थी, फिर भी उनसे छुप छुपा के जो है ना मैं वीडियो शूट करके जो है ना अपलोड कर दिया करता था। कभी उनको क्या बहाना कर देता था भाई, मैं कोई अब जो है डोर बंद करके बोलूँगा भाई कोई लेक्चर वगैरह मैं याद कर रहा हूँ, या कोई ऐसी चीज़ वगैरह हो गई, उनको पता नहीं था। अच्छा, मेरे जो बाहर निकलने की या वीडियो शूट करने की या ब्लॉगिंग करने की जो वजह थी, मतलब ये ना करने की जो वजह थी, वो थी मेरी एक वीडियो जो मेरा ब्लॉग था, जो शायद मैं आपको उसके जो थंबनेल दिखा दूं आप वो वीडियो जाके देख भी सकते हैं। और मैं गया था एक ऐसे रेगिस्तान में जहां पर जाना खतरे से खाली नहीं था, मतलब कुछ वहां पर जो इलाके थे वो खतरे से खाली नहीं थे, लेकिन हम वहां नहीं गए थे, थोड़ा जो है ना उससे आउटसाइड जो सिटी जहां पर टच हो। तो हम आपस में फ्रेंड जो थे वो गए थे, लेकिन घर वालों को कौन समझा, वो कह रहे थे कि भाई तुम रेगिस्तान की साइड गए हो, वहां पर बहुत ही खतरा भी होता है, अजीब अजीब जानवर भी होते हैं। तो भाई उन्हें कौन समझा, मैं वहाँ नहीं गया था, यहीं जो है ना सखर से अराउंड 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद जो है ना वो आ जाता है इलाका। तो उस ब्लॉग के बाद जैसे मेरे घर वालों ने वो ब्लॉग देखा मेरे चैनल पे, तो उस पर बहुत ही ज़्यादा भड़के, और उसके अलावा भाई को बहुत ही डांट पड़ी। उसके बाद जो है मेरा ब्लॉगिंग करना हो गया था बिल्कुल ही बंद, दोस्त वगैरह हो गए थे मुझसे नाराज़, और वो कह रहे थे भाई शौक हमारा जगह के तुम कहाँ भाग गए हो। जो मेरी लास्ट मीटिंग थी मेरे फ्रेंड्स के साथ, वो थी मेरी जो आखिरी वीडियो थी जी ब्लॉग्स के ऊपर, जो टीचर वर्सेस स्टूडेंट, मतलब फीस के लिए जो लड़ाई वगैरह करते हैं। तो ये थी मेरी फ्रेंड्स के साथ आखिरी मीटिंग, इसके बाद ना हम मिले ना ही हमने कॉल पर बात की। बस कुछ दिनों बाद, हफ्ते डेढ़ बाद दोबारा मुझे एक फ्रेंड ने कॉल की, तो उसने कहा भाई दूसरी वीडियो का क्या मूड है, मतलब कि मैं तो ये समझ रहा हूँ कि उन्हें मज़ा आ गया था इस वीडियो में, रेस्पॉन्स भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा मिला था, जो हमारे जो व्यूवर्स थे जो हमारे सब्सक्राइबर थे उनकी तरफ से भी हमें बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिला, लेकिन क्या था कि टाइम नहीं था, और मैं उनको कैसे बताऊँ कि घर से डांट पड़ी। अभी मैंने एक फ्रेंड को कॉल की है जो हमेशा मेरे साथ होता है, फरमान अली, जैसे मैंने कॉल करके अभी बुला लिया है, ये कहे कि भाई चलो ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ब्लॉगिंग जो मेरा, अब जब मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगा तो शायद अभी तो मैं मुश्किल कर पाऊँगा, क्योंकि कोरोना वायरस का जो है ना बहुत ही ख़तरनाक ऐसा वायरस चल रहा है, तो इस वजह से शायद बाहर ना निकल पाएँ, वो भी जो है ना पता नहीं कैसे उसे मैंने मंगवाया। मैंने बहुत ही मस्के मार के भाई मंगवा लिया, आ जाओ कोई मसला नहीं, कुछ नहीं होता, मास्क वगैरह लगा के आ जाओ, तो ब्लॉगिंग इंशाल्लाह स्टार्ट करूँगा। अच्छा, जाएँ मेरे उस चैनल पर जो जी व्लॉग्स मेरा चैनल है, जाएँ उसे सब्सक्राइब करें, 100 सब्सक्राइब होने के बाद जो है उसे कंप्लीट करें, 100 सब्सक्राइबर होने वाले,
जब वो पूरे होंगे तो इंशाल्लाह एक कमाल की वीडियो आने वाली है। जिस स्क्रिप्ट मैंने रेडी कर ली है, सिर्फ और सिर्फ उसकी जो शूटिंग है वो रहती है, एडिटिंग का कोई मसला नहीं, एडिटिंग आपका भाई कर लेगा। उसके बाद जब मेरे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, 100 मेरे लिए 100K के बराबर हैं, क्योंकि मेहनत लगती है यूट्यूब पर। प्लीज़ आपका कुछ नहीं जाता, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, उसके अलावा जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। आपका कुछ नहीं जाने वाला, आपके भाई का भला ज़रूर हो जाएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कर दो, इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो शायद अभी आसान हो रही है, फिलहाल की वीडियो में इतना ही दोस्तों। मैंने सोचा कि आपसे शेयर कर लूँ, इंशाल्लाह व्लॉग भी आने वाले हैं और जो मेरे इस चैनल पर वीडियोज़ भी आने वाली है डेली बेस पर, नहीं तो हर दूसरे दिन वीडियोज़ भी आने वाली हैं। फिलहाल की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप कि आपको मेरी बातें जो है समझ आ रही होंगी कि वीडियोज़ क्यों लेट थी। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।